हर वर्ष की भांति इस साल भी लोहड़ी दिवाली पर विशाल शोभा यात्रा श्यामा चारभुजानाथ के दरबार में। कल शाम को 7 बजे विशाल शोभा यात्रा चारभुजा दरबार से निकाली जाएगी। श्यामा गांव में स्थित ठाकुर जी मंदिर चारभुजानाथ का विशाल शोभा यात्रा प्रोग्राम शाम को रखा गया है। शाम को 7 बजे शोभा यात्रा चारभुजा मंदिर से रवाना होकर मुख्य चौरा होते हुए कुमारवाड़ा भैरू जी से होते हुए सोलंकियों की भागल, वहाँ से वापस। शोभा यात्रा में ठाकुर जी की सवारी मुख्य गांव के रास्ते होते हुए देवनगरी श्यामा का गुड़ा पहुँचती है। भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया जाता है और उसके बाद वहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद वितरण के बाद शोभा यात्रा फिर गांव में चारभुजा मंदिर की तरफ लौट जाती है। इसके बाद मंदिर चारभुजा मुख्य चौरे में विशाल भव्य आरती का आयोजन होता है। हमारे ठाकुर जी चारभुजा का कल लोहड़ी दिवाली ग्यारस का प्रोग्राम शाम को 7 बजे यहाँ से आरती होते हुए भगवान ठाकुर जी की शोभा यात्रा यहाँ से सीधी अपने गांव भागल में होके फिर यात्रा करते करते कुमारवाड़ा भैरू जी के वहाँ भगवान ठाकुर जी घूमते हुए सवारी वापस निचला चौरा अपने वहाँ महादेव जी के वहाँ रुक के वहाँ आरती होते फिर श्यामा का गुड़ा देव नगरी चारभुजा मंदिर के वहाँ सावरिया की वहाँ आरती होगी और वहाँ प्रसाद कीर्तन होते ही वापस ठाकुर जी रवाना होंगे श्यामा चारभुजा मंदिर। वहाँ फिर वापस 11 बजे माँ आरती होगी और प्रसाद वितरण होकर चारभुजा की जय जयकार होगी। कल का लोहड़ी दिवाली का प्रोग्राम होने के बाद हमारे गांव में हर वर्ष के उपवाती पूर्णिमा के दिन भी महा अन्नकूट का महा प्रोग्राम रहता है। लगभग इसमें ऐसा माना जाता है 260 से 270 मन चावल का भोग लगता है सावर जी और फिर उसको आदिवासियों के द्वारा लूटा जाता है। विशाल प्रोग्राम होता है, लगभग 4,000 से 5,000 पब्लिक का यहाँ मेला लगता है। आदिवासी झूमते नाचते गाते उसके साथ में नाचते वगैरह ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी को 12 नवंबर मंगलवार के दिन पूर्णिमा के दिन ये भोग लगाया जाएगा, अन्नकूट लूटा जाएगा। 56 भोग का भी ये भोग लगाया जाता है। महाआरती होती है उस दिन, वो पर संपूर्ण गांव वगैरह और वितरण किया जाता है। तो पूरे गांव का सहयोग रहता है, पूरा सभी गांव वासियों का पूरा सहयोग रहता है।